जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बार फिर से हैं हमारे सारे स्टूडेंट, 5 के 5। और आज है मिस्टर नवाज की बारी, नवाज के बाद आएगी उदय की बारी। ये आप देख सकते हैं, ये है मिस्टर उदय, आज है नवाज की बारी। तो नवाज, आपको यह वाले साथियों, इनको फ्रिज के, एलजी फ्रिज के 2 PCB दिए जाएंगे। 2 PCB आए हैं रिपेयर होने के लिए, तो ये दोनों PCB आप कर पाओगे नवाज? कर पाऊंगा, कैसे करोगे? तो चक्कर के ठीक करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं साथियों, मिस्टर नवाज कह रहे हैं कि वो चेक करके ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं इन दोनों को वो कैसे रिपेयर करते हैं। तो आगे आ जाओ नवाज। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, हिम्मत करके नवाज, मिस्टर नवाज आगे आ चुके हैं। देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं पीसीबी रिपेयर करने में। मिस्टर नवाज बताओ, कर पाओगे? और नाम बताओ अपना। जी कर पाऊंगा गुरुजी। मेरा नाम नवाज, मैं आंध्रा नेल्लूर जिला से आया हूँ। ये पीसीबी को रिपेयर करता हूँ और रिपेयर करते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, मैं समझाते टाइम में थोड़ा हिंदी कुछ आपको निगल जाता हूँ। आप समझाना तो सीधा समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना चाहे तो आपको आपके कान को तेज करके ये वीडियो अच्छा सा ध्यान से देख लीजिए। तो फिर ठीक है नवाज, शुरू कर दो इसको रिपेयर करना। हमारे पास एलजी सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज के पीसीबी 2 है। वो 2 PCBियों को रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। चलो फर्स्ट इसको बाजू रख के इसको चेक करके ठीक करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये रेक्टिफायर है, इसको फेस न्यूट्रल इसके बीच वाले पिनों में देना है हम। और इसका UW टेस्टर भी लगा लेंगे इसके साथ। ये इसका U है, इसमें MU है, इसका U यहाँ पे लगाना। इसका V, इसके वी में लगाना। इसका W, इसका W में लगाना। चलो दोस्तों, अब मेन सप्लाई दे देंगे। सप्लाई तो दे दिया हूँ, अब इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे। फर्स्ट हमें इसको AC सप्लाई आती है नहीं ये चेक कर लेंगे। AC 230/9 V आती है। नेक्स्ट इसका AC DC कहाँ होती है देख लेंगे, इसको DC में बदलेंगे। यह है नेगेटिव, ये नेगेटिव पे, यह पॉजिटिव पे 300/6/7 V आते हैं। नेक्स्ट इसका 15 V आते हैं नहीं 15 आ, ये 5 V आते हैं, 15 भी आते हैं। इसके वोल्टेज पूरे ठीक आते हैं, ये पीसीबी में वोल्टेज तो भी ठीक आ रहे हैं। अभी ये माइक्रो कंट्रोलर ये IPM को चलाना है। ये चलाना बोले तो हम ये थर्मोस्टाट बोल के है ना, ये 2 नंबर, ये 2 पिनों को फेस न्यूट्रल देना है हम। जैसा हम इधर फेस न्यूट्रल देते, ये 817 कपलर यहाँ पल्स जनरेट करेगा। यहाँ पे मेन लगाना है हमें। ये मेन लगाने के बाद अरे दोस्तों एरर चालू हो गया है। देखो ये कितने बार ब्लिंक होता है कि देख लेंगे। 1 2 3 4 5, इसने आउटपुट तो नहीं दिया है। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वजह से ये ब्लिंक आ रहा है। अगर ये पल्स जनरेट नहीं होता है तो ये ब्लिंक भी एरर भी नहीं देता। अच्छा, हम ये MCU इधर 6 आउटपुट देता है नहीं कदम से चेक कर लेंगे LED के जरिए। अच्छा, अब इसका मेन सप्लाई काट देंगे। देखो दोस्तों, इधर हम ये 6 LED किधर लगाना
इधर देखे तो सारे बहुत सारे पिन है। देखो देखो दोस्तों अब ये इधर 6 LED लगा के एमसीयू आउटपुट देता है नहीं करता, सो हम चेक करने की कोशिश करेंगे वो किधर लगाना है। हमको किधर लगाना बोले तो इधर 6 रजिस्टर एक ही वैल्यू के रहते एमसीयू से आईपीएम को। देखो 1 2 3 4 5 6 ये इसका वैल्यू है। देखो हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास अमेजन से बुक करके मंगाए, आपको दिखाना चाहते हैं हमारे गुरुजी, तो आपको अमेजन से का लिंक भी दे देंगे ये वीडियो में। इसको लाइट चला के देखो 01 ये आया इसका वैल्यू, 01 ये बोले तो 100 ओम। देखो ये सब भी 100 ओम 100 ओम 100 ओम है, इधर से इधर जाके रहता हुआ 100 ओम। अब शुरू देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 ओम को 6 LED लगाना है हम। अच्छा लगाएंगे, देखो दोस्तों 6 पिनों को 6 LED लगा ले। शुरू देखो इधर से देखो 1 2 3 4 5 6। अब हमारा नेगेटिव पिन बचा है और नेगेटिव को ये नेगेटिव पे लगा लेंगे। अब इसको चला के देखेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों अब हम मेन सप्लाई दे दिए, नेक्स्ट अब ये पल्स जनरेट करने के लिए इधर भी मेन सप्लाई देना है। मेन सप्लाई दे दिए, देखो दोस्तों इधर इसके 6 के 6 LED छिलक ऑन होके फिर बुझ गए। इसका मतलब क्या है, माइक्रो कंट्रोलर आईपीएम को चलाने के लिए पल्स जनरेट करता है, लेकिन आईपीएम खराब है, खराब होने से ये आईपीएम यूडब्ल्यू आउट नहीं देता है। अब ये आईपीएम को हम चेंज करके देखेंगे। आईपीएम चेंज करने के लिए हमारे पास एक पुराना आईपीएम दूसरे बोर्ड में से उखाड़ के इसमें से इसको डालने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों अब इसका नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको, मैं मुँह से भी बोलने की कोशिश करता हूँ। IGCM04G60HA ये इसका आईपीएम का नंबर है। अच्छा इसको बदला के देखेंगे। फर्स्ट ये LED को हटा देते, हटाने के बाद ये आईपीएम बाहर काट दे, काट के ये पुराना आईपीएम डाल के देखेंगे। ये है उसको पुराने पीसीबी में से उखाड़ा सो आईपीएम, ये एक और पीसीबी में से अच्छा आईपीएम उखाड़ के इसमें डालता हूँ। देखो ये पुराने आईपीएम रहने से थोड़ा इसके टांगा टेढ़े है, इसको थोड़ा सा सीधा करके होल में ढकल देता हूँ। देखो दोस्तों अभी भी थोड़ा कांगी थोड़ा है लगता है, इसको भी थोड़ा कर लेंगे। देखो दोस्तों सीधा चल गया अंदर को, फर्स्ट इसके टांगे सीधे कर ले तो वो साफ साफ अंदर को जाने की कोशिश करता, टांगा टेढ़े रहे तो वो पीछे से पीछे को ढकेलता रहता। मेरा आईपीएम पूरा अच्छा सा बढ़ गया है, इसको अब सॉल्डरिंग कर लेंगे। फर्स्ट इसको पेस्ट लगा लेंगे। अब इसको सॉल्डरिंग करेंगे। देखो दोस्तों ये मेरे पिन्ना पूरे साफ से अच्छा सा सॉल्डरिंग कर लिया मैं। अब इसको थोड़ा सा साफ करेंगे, और ये आईपीएम डालते ही जब का जब इसको ऑन करने की कोशिश नहीं करना, क्यों बोले तो हम ये सॉल्डरिंग करते इस टाइम में वो हीट होता लो साइड, वो हीट में हम ऑन करने से अंदर IGBT ख़राब होने के चांसेस भी है वो हीट की वजह से। ये साफ करने टाइम में वो ठंडा होने की कोशिश भी करता रहता, देख लेंगे ठंडा हुआ कि नहीं। नहीं अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के लिए टाइम देंगे हम इसको। तब तक हमारा UW टेस्टर ले लेंगे
और मीटर रख लेंगे बाजू। मीटर आ गया और इसको चलाने के लिए दो मेन लीड चाहिए हमको, एक मेन लीड, एक और मेन लीड किधर है, एक और मेन लीड इधर है, ये भी ले लेंगे। ये है हमारा मेन लीड फेस न्यूट्रल, ब्रिज के बीच वाले टांग, बीच वाले टांग में फेस न्यूट्रल लगाइए, वो हले नहीं संगा, उसके ऊपर मीटर भी रख दिया हम। हमारा आईपीएम तो थोड़ा ठीक है, अब हम इसको चला के देख सकते। इसका यूवीडब्ल्यू टेस्टर भी लगाएंगे, जब तक भी अब और थोड़ा ठंडा होता है कि देखेंगे। ये है इसका यू, ये है इसका वी, ये है इसका डब्ल्यू। यूडब्ल्यू मैंने कनेक्ट कर दिया और यूडब्ल्यू ऑन भी कर दिया। अब इसको मेन लीड लगाएंगे, ये मेन लीड भी लगा लेता हूँ, ये मेन लीड इधर, ये मेन लीड न्यूट्रल इधर। हाँ, ठंडा हो गया। अब इसको आराम से ऑन करके चेक कर सकते हैं। देखो अब इसमें हम मेन लीड लगा दिए, अब 300 वोल्टेज आते हैं नहीं या नहीं हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पर है हमारा ग्राउंड, ये है हमारा 330 पर एक वोल्टेज आता है और इधर 5 वोल्ट आता है। हम 5 वोल्ट आईपीएम भी चेक कर सकते हैं। फिफ्टीन वोल्ट आता है और फाइव आता नहीं, तो 2.3 वोल्ट आता है। फर्स्ट इसको ऑन करके देखेंगे। मेन लीड लगा दिया फेस न्यूट्रल, और पल्स जनरेट होने के लिए अब और एक फेस न्यूट्रल भी लगाएंगे। लगा दिया मैंने, फिर से तीन ब्लिंक आना शुरू करा, एक दो तीन। एक और प्रॉब्लम भी निकला इसमें, देखेंगे वो प्रॉब्लम। ये तीन ब्लिंक एरर कहाँ से आता है बोले तो, ये 14 नंबर पिन फॉल्ट आउटपुट दे रहा है। इधर हमको 5 वोल्ट आना चाहिए, वो 2.11 वोल्ट ऐसा आता है। अब वहाँ पे ये 14 नंबर पिन को ये 3.2 के रेजिस्टेंस से 5 वोल्ट से पुल अप करके रखे है। अब वो वहाँ कितना वोल्ट आना चाहिए चेक करेंगे, एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको। मेन लीड लगा दिया, मेन लीड लगाने के बाद ये है हमारे पास नेगेटिव, इधर 5 वोल्ट आ रहा, इधर 2.403 वोल्ट आ रहा। ये रेजिस्टेंस चेक करके देखेंगे, ये 3.3 के की रेजिस्टेंस पुल अप करके रखा है। अगर वो रेजिस्टेंस ख़राब हो गया तो भी हाँ 5 वोल्ट नहीं आता। हम इसको उखाड़ने के लिए, इसको डायरेक्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस लेके 5 वोल्ट से डायरेक्ट यहाँ पे पुल अप कर देते हैं, चेक करके चेक करेंगे इसको। देखो यहाँ हमारे को 5 वोल्ट आते हैं, ये 5 वोल्ट की जगह एक रेजिस्टेंस 14 नंबर पे लगा देंगे, 14 नंबर पिन पे लगा दिया इसको। अब इसको एक बार ऑन करके देखेंगे 5 वोल्ट आते या नहीं। मेन सप्लाई तो लगा दिया, अब ये मीटर को वोल्टेज में रख लेंगे, वोल्टेज में सेट कर लिया। ये है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव से इधर आया 3 वोल्ट। दोस्तों इधर अभी भी 5 वोल्ट नहीं आया, इसका मतलब है हम ये आईपीएम लगाए जो वो आईपीएम भी ख़राब है। अब हमारे पास पुराना आईपीएम लगाने के लिए नहीं और नया भी नहीं, देखेंगे अगले बार कोई पुराना आईपीएम आया तो लगाएंगे, नहीं तो नया आईपीएम खरीद के लेकर आके लगाएंगे। ये दोस्तों इसको चेक करने का तरीका, देखो दोस्तों ये 15 और 16 नंबर पे 0 होना चाहिए। देखो दोस्तों ये आईपीएम हम पुराना आईपीएम बदला दिए, बदलाने के बाद हमारे को यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, ये 5 वोल्ट नहीं है, 3.3
इसके पहले 2.11 वोल्ट कितना क्या आता है, अभी ये रेजिस्टेंस ख़राब रहती और बोल गए इसके बदले में हम दूसरी नई रेजिस्टेंस ले गए डायरेक्ट लगा दिए। लगाने के बाद आता क्या कि कोशिश देखने के लिए वो फिर भी 5 नहीं आया, 3.24 आया। अब देखो ये दोनों में 0-0 आना चाहिए, दोनों पिनों में वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें 0 है, इसमें भी 0 छे, इसका मतलब ये आईपीएम खराब है। पुराना आईपीएम कुछ ना कुछ मिला तो उसको बदलेंगे, नहीं हमारे पास कोई नया आईपीएम ले लेगा के इसको बदला के इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों अब इसको हटाते हैं, दूसरा बोर्ड चेक करते हैं। देखो दोस्तों इसका ब्रिज का मेन बीच वाले पिनों पे है, यहाँ पे मेन लीड लगा लेंगे और इसका UW इधर है, ये हेलेनी संगा, इसके ऊपर मीटर रख लेंगे, फेस न्यूट्रल लगा लिया। अब तुम यहाँ आते हैं बिल्कुल, मैं कैसा कैसा बनाता हूँ। मेरे पास अब है UW टेस्टर, UW इसको कनेक्ट कर लेंगे, इसका यू पिन पर यू, वी पिन पर वी, W पे W, तीनों पे 3 लगा दिया। अब मैं इसको ऑन करके देखूंगा। देखो दोस्तों मैंने मेन सप्लाई दे दिया, अब इसमें दिखा दूंगा तुमको साफ साफ से ऐसा चेक करना बोले तो, ये नेगेटिव से भी चेक कर सकते तुम, सभी नेगेटिव एक ही रहता है इसमें। देखो 330/3 वोल्ट आते हैं ये पिन पे, यहाँ पे देखो 5 वोल्ट, देखो यहाँ पे देखो 5 वोल्ट आ रही, उसी बोर्ड में यही 14 नंबर पिन पे 5 वोल्ट आना चाहिए, अगर 5 वोल्ट नहीं आता है तो ये IPM ख़राब है, नहीं तो इधर से ये पुल अप रजिस्टर से भी ख़राब है। ये इधर मिल गया मेरे को 5 वोल्ट, इधर आया बोले तो लगभग 15 वोल्ट, ये पिन पो 0 वोल्ट, ये पिन पो 0 वोल्ट। देखो दोस्तों इसमें मेरे को वोल्टेज तो ठीक लग रही, अच्छा इसके पल्स जन ये पल्स जनरेट होने के लिए यहाँ पे और एक मेन लीड लगा के चेक करूँगा। देखो दोस्तों ये वोल्टेज पूरे ठीक है तो UW भी ऑन हो गया, इसका मतलब ये ठीक है, ये बोर्ड ये ठीक बोर्ड हमारे पास, ये कस्टमर ने हमारे पास ठीक बोर्ड भेजा। ब्रिज से देख ले तो इसका सेक्शन पूरा ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रिज के उधर फ्यूज़ और VDR वो भी देखेंगे एक बार, उधर का सेक्शन भी चेक करेंगे मेन सप्लाई का। इधर देखें तो VDR भी बदलाने की कोशिश कर को है, अच्छा उधर भी देखेंगे। मेन सप्लाई उखाड़ काट लिया, इधर भी काट लिया और UW भी काट दिया, इसको बाजू रख लेंगे। अब देखो दोस्तों इसको सीधा हाथ में लेते लेने से पहले कैपेसिटर पर वोल्टेज देख लेंगे, 300 वोल्ट आता है क्या नहीं, अगर वो वोल्टेज डिस्चार्ज नहीं हुआ तो हमारे को नुकसान कर देगा। हाँ डिस्चार्ज 14 वोल्ट डिस्चार्ज धीरे धीरे हो गया। देखो इधर VDR बदला नहीं, अच्छा इधर देखो, अच्छा इधर देखो फीस के ऊपर एक तार लपेट के है, ये बंदा ने एक तार लपेट के है, ये तार को लूज लपटा है, इसका मतलब फीस इसका उड़ गया तो ये फीस लपेट के रखा हो। अब ये फीस को चेक करेंगे अच्छा है या नहीं, देखो ये फीस तो ख़राब हो जाके, ये फीस ख़राब होने से ये बंदा है ये तार को ऐसा लपटा, ये तार को ऐसा लपटना गलत है, ये तार के ऊपर एनामिल रहता वो सीधा कनेक्ट भी नहीं होता, अगर एनामिल ऐसा हो ये एनामिल को काटने के लिए ऐसा चाकू से ऐसा करना है, ऐसा उखाड़ने के बाद भी इसको नहीं लपटना, इसको क्या करना बोले तो इसको सॉल्डरिंग करना, तुम ऐसा फल्टा के ऐसा सॉल्डरिंग कर दो, सॉल्डरिंग करने के बाद ये तो ठीक हो जाता। देखो दोस्तों ये दो PCBO में
एक पीसीबी तो ठीक हो गया, इसको हम बाजू रख देंगे। एक और पीसीबी, इसमें हम जो आईपीएम डाले थे पुराना आईपीएम, वो आईपीएम फिर से खराब निकला, तो हम इसको एक और पुराना पीसीबी में पुराना आईपीएम निकला तो उसको डाल को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, या नहीं तो नया आईपीएम मंगा के इसको डाल के रिपेयर करके उसको वापस भेज देंगे। तो साथियों आपने देखा कि मिस्टर नवाज ने ठीक करने की कोशिश की, आईपीएम को चेंज भी किया, लेकिन बैड लक मिस्टर नवाज का आईपीएम खराब निकला, तो अभी मुस्कुरा भी नहीं रहे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।